Hello dear students, hope you are doing great. CTET syllabus part 3 में आपका हार्दिक अभिनंदन है. I hope इस वीडियो से English and Hindi दोनों मीडियम के कैंडिडेट्स की requirements एक साथ फुलफिल होगी. So इस कंटेंट को फुली एंड केयरफुली वॉच करें जिससे आपके सभी डाउट्स सभी कन्फ्यूजन्स एक साथ क्लियर हो सके. So let's start. तो जैसा कि डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ऑल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको इंग्लिश में मिलेगी, लेकिन आपके कन्वीनियंस के लिए इसे वन बाय वन में हिंदी में समझाऊंगी. सो यू डोंट वरी. तो जैसा कि आप देख सकते हैं सीटेट सिलेबस 4 पेपर 1, तो इसमें 5 पार्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं. एज वी नो दैट वेरी वेल, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड मैथमेटिक्स. और जैसा कि हम जानते हैं कि इस सेक्शन में हर सेक्शन में 30 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के लिए एक नंबर रहेगा. और सबसे बड़ी बात कि नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी. ओके, सो ऑल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें. नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑल द सब्जेक्ट इंक्लूड 2 मेजर सेक्शन, कि जब जितने भी 5 सब्जेक्ट हैं जैसे कि इसके 2 मेजर सेक्शंस रहेंगे. फर्स्ट वन है बेसिक कंटेंट और सेकंड वन इज लैंग्वेज पार्ट. ओके, और नेक्स्ट है आपका पेडागोजी. ओके, और सबसे बड़ी बात है कि द सिलेबस इज सेम एज द लास्ट ईयर. तो सिलेबस जो है वो चेंज नहीं हुआ है, रिवाइज नहीं हुआ है. और मज़े की बात ये है कि मैंने भी इसी सिलेबस के अंतर्गत सीटेट अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाइड किया था. चलिए नेक्स्ट है आपका कि सीटेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सिलेबस. ओके, प्राइमरी स्कूल चाइल्ड. तो फर्स्ट वन है आपका विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ संबंध. नेक्स्ट है आपका बालकों के विकास के सिद्धांत. नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस. तो ये क्या हो गया आपका कि बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्श. ओके, नेक्स्ट है आपका मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंट, दैट्स मीन कि आपका बहुआयामी बौद्धिकता. नेक्स्ट है आपका कि अनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव. नेक्स्ट है आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस, समाजीकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण. नेक्स्ट है आपका पियाजे, कोलबर्ग एंड बायोस्की, निर्माण और विवेचित संदर्श. ठीक है, नेक्स्ट है वही कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में. नेक्स्ट है आपका भाषा और चिंतन. फिर आपका है कि जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, तो जेंडर रोल्स के बारे में है. जेंडर वाइस के वाइस मतलब होगा पूर्वाग्रह, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार. नेक्स्ट है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हो गई, व्यक्तिक विभिन्नताएं. तो क्या लर्नर्स के बीच में क्या व्यक्तिक विभिन्नताएं रहती हैं, क्या उनकी डाइवर्सिटी होती है, क्या कास्ट, जेंडर, लिंग, कम्युनिटी, रिलीजन वगैरह के तौर पर क्या क्या विभिन्नताएँ, क्या क्या उसमें मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं उसके बारे में है. नेक्स्ट है आपका फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट, दैट्स मीन क्वेश्चन फॉर लर्नर्स, शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए, कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षा की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना. नेक्स्ट है आपका कि अधिगम के मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन और संदर्श और व्यवहार. नेक्स्ट है आपका कि नेक्स्ट आपका बी है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना. ओके, इसमें है फर्स्ट है आपका गैर लाभप्रद और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना. नेक्स्ट है आपका कि एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज के बारे, दैट्स मीन कि अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना. नेक्स्ट है आपका कि टैलेंटेड क्रिएटिव, नेक्स्ट है ये आपका है मेधावी सृजनशील विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना. नेक्स्ट आ जाइए आप लर्निंग एंड पेडागोजी, तो इसमें है कि हाउ चिल्ड्रन थिंक, दैट्स मीन कि बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं.
बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट है कि बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, अधिगम और अध्यापन टीचिंग की बुनियादी प्रक्रियाएं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि बालकों की अधिगम कार्य नीतियाँ, कि उनकी लर्निंग की क्या क्या स्ट्रेटजीज होंगी उसके बारे में रणनीतियाँ। नेक्स्ट है आपका लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, सीखना सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। नेक्स्ट है कि द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, सीखना क्या मतलब सामाजिक संदर्भ में सीखना क्या होता है उसके बारे में है, या सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम। ओके, नेक्स्ट है आपका अधिगम के सामाजिक संदर्भ। नेक्स्ट है आपका कि चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, कि चाइल्ड कैसे मतलब समस्या का समाधान खोज सकता है एक सॉल्वर के रूप में और एक साइंटिफिक एक वैज्ञानिक अन्वेषणकर्ता के रूप में। नेक्स्ट है आपका कि बालकों में अधिगम की वैज्ञानिक संकल्पना अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, एरर्स। नेक्स्ट है आपका बोध और संवेदनाएँ। नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन एंड लर्निंग, दैट्स मीन कि प्रेरणा और अधिगम। नेक्स्ट, अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय। तो आपका सीटेट लैंग्वेज फर्स्ट का ये पेपर है, सिलेबस जो है जैसा कि आपको बताया था कि लैंग्वेज फर्स्ट आपकी इंग्लिश भी हो सकती है, आपकी हिंदी भी हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली लैंग्वेज फर्स्ट आपकी मोस्ट कमांडेड लैंग्वेज होती है। तो इसमें आपका होता है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इसमें रीडिंग अनसीन पैसेजेस, तो आपके अपठित गद्यांश आते हैं जिसमें आपका प्रोज एंड ड्रामा और पोएम के बेस जो है क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन होता है, ग्रामर पोर्शन एंड वर्बल एबिलिटी वगैरह सब होती है। नेक्स्ट है आपका पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज, तो इसके अंतर्गत है लर्निंग इक्वेशन, अधिगम और अर्जन। नेक्स्ट है भाषा अध्यापन के सिद्धांत। नेक्स्ट है सुनने और बोलने की भूमिका, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका। एक भिन्न कक्षा में पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार। नेक्स्ट है लैंग्वेज स्किल्स, भाषा कौशल। नेक्स्ट है भाषा बोधगम्यता, क्या होती है, सोचने और समझने की शक्ति, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, तो भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना। तो इसमें आपका स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जो आपका बीएड फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के पेपर में। नेक्स्ट है आपका अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषीय संसाधन और उपचारात्मक रिमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक अध्यापन। तो अब हम बात करेंगे सीटेट लैंग्वेज सेकंड की। ठीक है, सिलेबस जो है इसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है, क्वेश्चंस आपके कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी वाले हैं। नेक्स्ट है आपका एज इज इट है, प्लीज इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसको भी देख लीजिएगा, ऑलरेडी डन है आपका। नेक्स्ट आ जाइए, बात करेंगे मैथ सिलेबस की। तो मैथ्स में आपका ज्योमेट्री है, आकार और स्थानिक समझ है, हमारे चारों ओर के विद्यमान ठोस पदार्थ है, नंबर्स है, संख्याएं जोड़ना और घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, डिवीजन है और मेजरमेंट है। नेक्स्ट है वेट है, भार, समय, परिमाण, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न और राशि, दैट्स मीन मनी। इश्यूज की अध्यापन कला संबंधी मुद्दे की, तो गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालो, अधिगम की कार्य नीतियों को समझना। नेक्स्ट है आपका पाठ्यचर्या में गणित का स्थान। नेक्स्ट गणित की भाषा। नेक्स्ट है आपका सामुदायिक गणित, दूसरा फिर इसके बाद है औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन। नेक्स्ट है आपकी शिक्षण की समस्याएं। नेक्स्ट त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, और लास्ट है आपका नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट में एनवायरमेंटल स्टडीज की। तो ईवीएस कंटेंट में आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स है, रिलेशनशिप है, वर्क एंड प्ले है, एनिमल्स है, प्लांट्स है। आई थिंक इसका आपको हिंदी में बताने की आवश्यकता नहीं है। फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंक वी मैक एंड डू। ओके, जो अध्यापन संबंधी अवधारणा, कंसेप्ट एंड स्कोप, दैट्स मीन ईबीएस की अवधारणा और व्याप्ति,
नेक्स्ट है आपका ईबीएस का महत्व और एकीकृत ईबीएस। नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ एनवायरमेंटल एजुकेशन कि एनवायरमेंटल पर्यावरणीय अध्ययन और शिक्षा। नेक्स्ट है आपका लर्निंग प्रिंसिपल अधिगम के सिद्धांत। नेक्स्ट स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड साइंस की क्या स्कोप है इसका, कार्य क्षेत्र है और क्या इसका साइंस एंड सोशल साइंस के साथ संबंध है। नेक्स्ट आ जाइए अप्रोचेस प्रेजेंटिंग कंसेप्ट तो अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण। नेक्स्ट है आपका क्रियाकलाप। नेक्स्ट है प्रयोग और व्यवहारिक कार्य। नेक्स्ट आपका चर्चा। नेक्स्ट सीसी कॉम्प्रेंसिव जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट है आपका शिक्षण सामग्री और उपकरण और लास्ट ऑफ ऑल है प्रॉब्लम। लास्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर तो फर्स्ट वन है कि दृष्टिबाधित कैंडिडेट्स को सेपरेट क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। दृष्टिबाधित कैंडिडेट्स को सेपरेट क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका फिजिकली जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं जिनका 40% से ज़्यादा क्राइटेरिया है उनके साथ एक सहायक व्यक्ति रहेगा। नेक्स्ट है आपका कि ऑल सेक्शन जो है 5 सेक्शंस है पेपर फर्स्ट में सभी अटेंड करना कंपलसरी है। नेक्स्ट है कि नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है इसलिए कम्प्लीटली पेपर करने का प्रयत्न करें और पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों में ही ऐसा है और पेपर में आप केवल नीले और काले पेन का ही यूज कर सकते हैं और पेंसिल का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है अपनी ओएमआर शीट वगैरह के लिए। अगर आप अपनी ओएमआर शीट में कहीं भी पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं तो वह ओएमआर शीट आपकी रिजेक्टेड या इनवैलिड हो सकती है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फीडबैक के रूप में ज़रूर बताएँ।